हेलो दोस्तों, आज दूसरे दिन का खेल का पहला सेशन का खेल स्टार्ट हुआ। और जब खेल स्टार्ट हुआ, खेल के स्टार्ट होते ही स्टीवन स्मिथ ने अपना शतक कंप्लीट कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के जो दो दो नॉट आउट बैट्समैन जो कल के नॉट आउट थे, वो ट्रेविस हेड और स्टीवन स्मिथ, आते ही उसी रंगत में जिस रंगत में कल खेल रहे थे वैसा ही इन्होंने पारी की शुरुआत करी। और जल्दी स्टीवन स्मिथ ने अपना शतक पूरा कर लिया 4 रन लगा के, और टीम को एक मजबूत स्कोर पे पहुंचा दिया था 336 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और इसी बीच तुरंत स्टीवन स्मिथ का शतक बना। शतक बनने के बाद तुरंत ही ट्रेविस हेड ने अपने 150 रन पूरे कर लिए, और इस तरीके से टीम का स्कोर उस समय हो गया तो 343 रन 3 विकेट के नुकसान पे। ये जो 150 रन इन्होंने पूरा किया, ये 4 रन के साथ इन्होंने अपना 150 रन पूरा किया। और ट्रेविस हेड का विकेट मिल गया 361 रन पे, 4th विकेट गिरा। बहुत ही मशक्कत के बाद ये विकेट मिला भारतीय टीम को, और ऑस्ट्रेलिया ने अपना दिन का पहला विकेट खोया ट्रेविस हेड के रूप में। और ट्रेविस हेड आउट होकर पवेलियन चले गए, सिराज का शिकार हो गए 361 रन 4 विकेट के नुकसान। इनका विकेट के पीछे केएस भरत ने जबरदस्त कैच लपका ट्रेविस हेड का। उसके बाद मोहम्मद शमी ने कैमरन ग्रीन को सेकेंड स्लिप में शुमन गिल के हाथों कैच लपका दिया, और इस तरीके से 5वां विकेट गिर गया 376 पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो कल बहुत ही मजबूत स्थिति में थी, लेकिन आज खेल के शुरुआत तो उन्होंने अच्छा किया, लेकिन बैक टू बैक इन्होंने विकेट अपने खोए। शार्दुल ठाकुर को बहुत बड़ा विकेट मिला स्टीवन स्मिथ का। स्टीवन स्मिथ के का इन्होंने गिल्लियां भी खेल दी। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया जो कल बहुत ही मजबूत स्थिति में थी 327 पे 3, अचानक से ये 387 पे 6 हो गई, और इन्होंने 60 रन पे 3 विकेट खो दिए। आज मिशेल स्टार्क एक 30 रन चुराने के चक्कर में अपना विकेट खो दिया, और ये रन आउट के तौर पर विकेट आया, और मिशेल स्टार्क आउट होकर पवेलियन चले गए। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो गया था उस समय 402 रन 7 विकेट के नुकसान पे। एलेक्स केरी एक छोर को जमाए हुए थे, और ये अच्छे बल्लेबाजी कर रहे थे, और एलेक्स केरी ने छक्का लगाया, छक्का लगा के टीम के स्कोर को 450 के ऊपर कर दिया 453 रन 7 विकेट के नुकसान। एलेक्स केरी जडेजा के गेंद को रिवर्स स्वीप खेलने गए, और वहां पे चकमा खा गए, और उनके पैर से बॉल लगी। अंपायर ने तो उनको नॉट आउट दिया, लेकिन डीआरएस जब लिया गया तो उसमें वो विकेट के सामने पकड़े गए, और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने अपना 8वां विकेट खो दिया 453 रन 8 विकेट के नुकसान पे। नाथन लाइन बोल्ड हो गए, और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने अपना 9वां विकेट खोया 468 रन 9 विकेट के नुकसान। कप्तान पैट कमिंस का आसान सा कैच सिराज की गेंद पे लपका गया, और ये आसान सा कैच लपका गया अजिंक्य रहाणे के द्वारा, और स्कोर हो गया वे ऑस्ट्रेलिया 469 रन 10 विकेट के नुकसान पे। ऑस्ट्रेलिया के स्कोर कार्ड की बात करें तो कल के जो नॉट आउट बैट्समैन थे स्मिथ और हेड, ट्रेविस हेड, इन दोनों ने पारी की शुरुआत करी, और अच्छे खासे रन इन दोनों ने जोड़े। स्मिथ ने वो स्मिथ को बोल्ड किया, ठाकुर ने 121 रन बनाए 268 गेंदों का सामना किया। हेड को भरत ने लपका एक बेहतरीन कैच, भरत का यह तीसरा कैच था। सिराज की गेंद पर इन्होंने 163 रन किए 174 गेंदों का सामना किया, और लगभग 90 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने रन बनाए। कैमरन ग्रीन गिल के द्वारा लपके गए, शमी की गेंद पर 6 रन बनाए। कैरी एलबीडब्ल्यू वे जडेजा गेंद में 48 रन बनाए, 2 रन से अपने अर्धशतक से चूक गए। स्टार्क रन आउट हो गए, अक्षर पटेल के द्वारा 5 रन किए। कमिंस रहाणे के द्वारा लपके गए, सिराज की गेंद पे 9 रन बनाए। लाइन बोल्ड हो गए, सिराज की गेंद पे 9 रन, बॉलिंग नॉट आउट रहे 1 रन बना के, और इस तरीके से टीम ने 469 रन जोड़ लिए 121.3 ओवर में। एक्स्ट्रा 38 रनों का योगदान एक्स्ट्रा के रूप में रहा। तो यहाँ पे भारतीय गेंदबाज आज इन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। और वहीं बात करें भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो भारतीय टीम की तरफ से शमी ने 29 ओवर में 122 रन देके 2 विकेट, सिराज ने 108 रन देके 4 विकेट, उमेश ने 77 रन देके कोई विकेट नहीं मिला, ठाकुर 83 रन देके 2 विकेट, जडेजा को एक सफलता मिला 56 रन देके। सबसे बड़ा पार्टनरशिप जो रहा 285 रनों का रहा, और ये एक तरह का रिकॉर्ड बन गया, और ये 4th विकेट के लिए सबसे बड़ा पार्टनरशिप रहा। उसके बाद कोई पार्टनरशिप बन पा नहीं। जब भारतीय पारी की शुरुआत हुई तो भारतीय पारी की शुरुआत बहुत ही भयावर है, और इनका जो पहला विकेट था कप्तान रोहित शर्मा का 30 पे गिर गया, और रोहित शर्मा कुछ खास नहीं कर पाया। आज भी ये सस्ते में चले गए, और भारतीय टीम का स्कोर हो गया 30 रन 1 विकेट के नुकसान। शुभमन गिल बॉलिंग के एक गेंद को छोड़ने के चक्कर में वो गेंद इन स्विंग होकर अंदर आई, और शुभमन गिल की गिल्लियाँ बिखर गई, और भारतीय टीम 30 रन 2 विकेट के नुकसान पे। चेतेश्वर पुजारा भी आउट हो गए कैमरन ग्रीन के गेंद को छोड़ने के चक्कर में, गेंद इन स्विंग हुई अंदर की ओर आई, और उनकी गिल्लियाँ बिखर के चली गई। भारतीय टीम का स्कोर हो गया 50 रन 3 विकेट के नुकसान पे। विराट कोहली का एक जबरदस्त कैच लगा गया सेकंड स्लिप में, और इस तरीके से भारतीय टीम को बहुत बड़ा नुकसान लगा। 171 रन पे 4th विकेट गिरा विराट कोहली के रूप में। विराट कोहली सेट हो चुके थे, वहां पर सेकंड स्लिप में विराट कोहली का कैच लगा गया, और इस तरीके से विराट कोहली आउट होकर पवेलियन चले गए, और 71 रन 4 विकेट के नुकसान। रविंद्र जडेजा और अजिंक्य रहाणे ने पारी को संभालने की कोशिश करी, और इन दोनों ने मिलकर टीम को अच्छा स्कोर की तरफ मूव करने का प्रयास इनका जारी है, और इन्होंने 4 रन लगा के टीम के स्कोर को 96 रन पे पहुंचा दिया। जडेजा आज अच्छे रंगत में दिख रहे थे, और उन्होंने 6 रन लगा के टीम के स्कोर को 111 रन कर दिया 4 विकेट के नुकसान। तभी स्पिनर नाथन लायन आया, और नाथन लायन ने एक महत्वपूर्ण विकेट रविंद्र जडेजा का विकेट चटका दिया, और स्कोर हो गया 142 रन 5 विकेट के नुकसान पे, और यहाँ से भारतीय टीम लड़खड़ा सी गई है।
और आज के आज का पारी समाप्त होने पे आज का दिन समाप्त हो गया। और आज के दिन की समाप्ति के बाद स्कोर है 151 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अभी भी 318 रन से भारतीय टीम पीछे है, तो अब देखना होगा कि भारतीय टीम वो 318 रन 5 विकेट पे पूरा कर पाती है या नहीं कर पाती। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय पारी की बात करें तो भारत की तरफ से रोहित शर्मा, गिल और पुजारा कोहली सस्ते में निपट गए। रोहित शर्मा कमिंस की गेंद पे LBW हो गए, 15 रन किए। गिल बोल्ड हो गए बॉल इनके गेंद पे, गेंद को छोड़ने के प्रयास में 13 रन बनाए। पुजारा बोल्ड हुए ग्रीन की गेंद पे, 14 रन किए। कोहली स्मिथ के द्वारा लपके गए स्टार की गेंद पे, 14 रन किए। रहाणे नॉट आउट है, 29 रन बनाए गए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जडेजा स्मिथ ने लपका लाइन की गेंद पे, 48 रन किए। इन्होंने बहुत तेजी के साथ लगभग 100 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाया। भरत नॉट आउट है, 5 रन बना किया। टीम ने इस तरीके से आज का खेल समाप्त होने पे 151 रन बनाए हैं और 151 रन 5 विकेट के नुकसान पे। बॉलिंग की बात करें तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। स्टार्क ने 9 ओवर में 52 रन देके 1 विकेट लिया। कमिंस ने 36 रन देके 1 विकेट। बॉलिंग जबरदस्त आज बॉलिंग की और इन्होंने चारों खाने जीत किया टीम इंडिया के बैट्समैनों को। 29 रन देके 1 विकेट। ग्रीन 22 रन देके 1 विकेट और लायन 4 रन देके 1 विकेट। लायन ने बताया कि उनकी उपयोगिता कैसी कैसे है और एक्सपीरियंस प्लेयर क्या होता है। वो आते ही जडेजा जैसे जम चुके खिलाड़ी को इन्होंने पेवलियन का रास्ता दिखा दिया और स्कोर जो 151 रन 5 विकेट के नुकसान पे है। और यहाँ पे मैच समरी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया भारत ने टॉस जीता। ऑस्ट्रेलिया पहले बल्लेबाजी करने आए। ट्रेविस हेड स्मिथ के 163 121 रनों की बदौलत इन्होंने 469 रनों का एक भारी भरकम स्कोर खड़ा कर दिया। सिराज और ठाकुर शमी ने 4 और 2, सिराज ने 4, ठाकुर ने 2 और शमी ने 2 विकेट लिए। वहीं भारत की पारी बिखर सी गई है, अभी थोड़ी सी संकट में भारतीय पारी। जडेजा 48 रन बना के आउट हुए, 2 रन से अपने अर्धशतक से चूक गए। रहाणे 29 रन बना के नॉट आउट है। उसके अलावा कोई भी बल्लेबाजों ने योगदान नहीं दिया। रोहित, पुजारा, कोहली 15 14 14 इस तरह का रन बनाया। लायन ने 1 विकेट लिया, ग्रीन ने 1 विकेट। इनके तरफ से जो 5 गेंदबाज थे, 5ों गेंदबाजों ने 1-1 विकेट लिया। तो भारत अभी भी 318 रनों से पीछे। कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कल रहाणे और केएस भरत पे एक जिम्मेदारी होगी कि पहले हाफ में कोई बड़ा नुकसान ना हो और टीम एक अच्छा टोटल की तरफ बढ़े, क्योंकि यहाँ से हालत थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। क्योंकि कल मॉर्निंग के आवर में इनके जो स्टार्क है, बॉलेंड है और कमिंस है, ये बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। तो शुरू के जो 2 घंटे में बहुत ही क्रूशियल होंगे। अगर 2 घंटे वो निकाल लिया तो टीम इंडिया भी अच्छा टोटल बना सकती है, क्योंकि शुरू के 2 घंटे बहुत ही खतरनाक होने वाला है। क्योंकि भारतीय टीम ने भी शुरू के 2 घंटे में ही ऑस्ट्रेलियन पारी को समेट के रख दिया था। तो यहाँ पे भारतीय टीम के लिए, खास करके रहाणे और केएस भरत के लिए, ये 2 घंटे बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। कल के जो 3 से 5 बजे का टाइम होगा वो बहुत ही क्रूशियल रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। गुड नाइट। सबा खैर।